इनका जो मोटिव है बहुत अच्छा है, क्योंकि हल्दी कुमकुम जो है वो नॉर्मली सिर्फ जो शादीशुदा फीमेल से उनके लिए रखते हैं, लेकिन इनका जो इनिशिएट है कि इसमें हर तरीके की महिलाओं को आगे आना चाहिए, तो ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। सारी महिलाओं को, जब सब एक साथ है, हम एक समान है, तो सारी महिलाएं एक साथ आके अगर कुछ काम कर रही है तो इट्स वेरी गुड। सबसे पहले मैं पंचशील सेवा संघ को बहुत सारी बधाई देती हूँ कि मैंने इनका ये दूसरा प्रोग्राम अटेंड किया है। इसके पहले भी एक कैंसर पीड़ित लोगों के लिए इन्होंने जो प्रोग्राम रखा था उसमें मैं शरीक हुई थी, और वो प्रोग्राम में भी मुझे बहुत अच्छी तरह से एक मोटिवेशन मिलता है। हम अपने काम में बिज़ी रहते ही है, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी जब भी हम अच्छी तरह से वहाँ पे भी निभाते हैं, लेकिन ये लोगों के साथ जब भी हम लोग इंटरेक्ट हो जाते हैं तो हम लोगों को एक और ज़्यादा अच्छी प्रकार से मोटिवेशन मिलता है कि किस तरह के लोगों के लिए हम लोग बहुत कम है, कि हमारा अपना एक लिमिटेड फील्ड है, हम लोग उसमें व्याप्त है, लेकिन अगर इनके कार्य में हम लोग जुड़ जाएंगे तो इसकी जो एक इम्पोर्टेंस है और इसकी जो महानता है वो हम लोगों को कोई ना कोई तरह से इसमें शामिल करके ये लोगों ने हमारा मान बढ़ाया है। और महिलाओं के लिए भी ये एक बहुत अच्छा प्रकल्प मैं मानती हूँ कि आजकल महिलाओं को संरक्षण देना, उनका संरक्षण खुद करना, इससे भी ज़्यादा ये जो हल्दी और कुमकुम का ये जो दो कलर्स है, मेरे हिसाब से ये जो कलर्स है तो उनकी महानता इसमें और ज़्यादा उभर के आएगी, ऐसा मेरा विश्वास है। तो ये प्रकल्प के लिए मैं पंचशील सेवा मंडल को मेरी तरफ से और हमारी सब भगिनियों की तरफ से बहुत सारी शुभकामनाएं देती हूँ, और हमें इस प्रकल्प में शामिल करने के लिए भी उनका बहुत धन्यवाद करती हूँ। सेवा संघ और राइजिंग स्टार टीम, ये जो दोनों टीम मिलके हर साल एक नया उपक्रम करती है। लास्ट ईयर भी हमने बहुत अच्छे उपक्रम किए, उसमें भी इनका हमें साथ मिला है, और इस साल हमने हमारी जो पुलिस स्टेशन की महिलाएं हैं जो हर एक फंक्शन अटेंड नहीं कर सकती, तो उन्होंने आज अपना टाइम निकाल के यहाँ पे आके हमारे साथ ये प्रोग्राम में सेलिब्रेट किया है हमारे साथ, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं चाहती हूँ कि हर सोसाइटी अगर एक नया प्रकल्प स्टार्ट करे तो हर एक औरत आगे आके अपनी बात रख सकती है, अपने मन के विचार रख सकती है, उससे कोई चीज़ की पाबंदी नहीं होगी, और हर सोसाइटी ने मिलके ऐसे नए नए प्रोग्राम्स करने चाहिए। कि हल्दी कुमकुम कहाँ, तो हमें सिर्फ सुहागन औरतें देखती है, और हमारे यहाँ पे भले देश कितना ही आगे चली जाए बट विधवाओं के लिए अभी भी लोगों के मन में कड़वाहट है, तो ये कड़वाहट निकलनी चाहिए। इसके लिए हमने ये कॉन्सेप्ट लिया है कि हम अगर हल्दी कुमकुम स्टार्ट करते हैं तो हम विधवाओं के साथ स्टार्ट करेंगे, उससे ये जो उनके मन में की हीन भावना है वो निकल जाएगी, और हमें देख कर और 100 औरतें इससे प्रेरित होके ये कॉन्सेप्ट आगे लेके जाएगी। आज का दिन बहुत ही शुभ ऐसा लग रहा है, गणतंत्र दिन के मौके पे ये हल्दी कुमकुम का प्रोग्राम किया जाता है, और हर साल हमारे यहाँ पे अलग अलग कॉन्सेप्ट से हम प्रोग्राम करते हैं, जिस महिलाओं के लिए विशेष तौर से बहुत सालों से आई हुई रूढ़ियाँ जो है इसको हमें कहाँ तो ख़त्म करना है, कि जहाँ पे एक महिला जो है वो सौभाग्यवती होती है और एक महिला जो होती है वो विधवा होती है, ये जो अलग अलग जो इनके ऊपर मतलब एक रूढ़ी जो लगाई हुई है इसको कहाँ ना कहाँ हमें ख़त्म करना है। इसके लिए हमने गए साल से और लास्ट टाइम भी एक हमने पुरुषों की मकर संक्रांति भी रखी थी, गए साल बच्चों से लेके विधवा महिला और वृद्ध महिला सबको लेके हमने एक बहुत अच्छा मकर संक्रांति का आयोजन किया था। इस साल भी इस तरह से जो आयोजन किया हुआ है, जो हमारी महिला पुलिस जो है ये 365 दिन मुंबई पुलिस के खंडों के खंडा लगा के आज वो 365 दिन हमारी रक्षा करते हैं, इस वजह से हम प्रोग्राम कुछ भी फंक्शंस हम अच्छी तरह से कर सकते हैं, लेकिन वो कहाँ ना कहाँ दुखी होती है, उनको कहाँ ना कहाँ सजना रुकना और उनका रुका जाता है, वह कहाँ ना कहाँ फैमिली से अटैचमेंट उनकी रुकी जाती है, इसके ऊपर कोई ध्यान नहीं देता है। और इस तरह से मुझे तो ये लोगों से कहना है कि हमारे यहाँ पे जब भी प्रोग्राम हुए तो समानता लानी चाहिए, कोई महिला अलग नहीं होती है, वो उस तरह से जो आज हमारा ये कॉन्सेप्ट था कि मुंबई पुलिसों के बारे में कि कहाँ भी कौन से भी फंक्शंस हुए तो हम इनको इनवाइट करना चाहिए, जो कि वो सेलिब्रेट उनको लगना चाहिए कि ये सेलिब्रेशन हमारे घर पे घर और परिवार से हम लोग कर रहे हैं, इस तरह से ये नियोजन किया।